हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अभी कोविड का टाइम चल रहा है और सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अगर आप भी नॉर्मल ब्रेकफास्ट करते हुए बोर हो गए हैं तो आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। आज मैं आपके लिए एक ईजी और क्विक ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ, ब्रेड उपमा, जिसे हम बहुत ही ईजी इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनाएंगे और बहुत ही ईजी स्टेप्स में। तो अगर आपको भी वीडियो की डिटेल्स जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले किसी भी तरह के ब्रेड स्लाइस को ले लेंगे। यहाँ पर मैं व्हाइट ब्रेड ले रही हूँ, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे, बटर की जगह पर आप ऑयल भी डाल सकते हैं। बटर डालने के बाद इन ब्रेड के टुकड़ों को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। जब ब्रेड रोस्ट हो जाए तब हम इसे किसी भी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। सारे ब्रेड को हमें इसी प्रोसेस से रेडी करके रख लेना है। जब ब्रेड हमारे रेडी हो जाए तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रेडी कर लेंगे। ब्रेड स्लाइस के हमें छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट करके उसे रेडी करना है। ऐसा करने से ये होगा कि जब आप उपमा बनाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स होगा और उसका टेक्स्चर भी अच्छा रहेगा। सारे ब्रेड को हमें कट करके रेडी कर लेना है। सारे ब्रेड हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हम पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। पैन में यहाँ पर मैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ, और ऑयल जब गर्म हो जाए तो 1/2 चम्मच सरसों के दाने छोटे राई मस्टर्ड सीड्स और 1/2 छोटा चम्मच जीरा क्यूमिन सीड्स, इन दोनों को डाल के उसे टेम्पर होने देंगे। उसके बाद थोड़े से चने के दाल और थोड़े से उड़द के दाल, सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से थोड़ी देर के लिए उसे रोस्ट कर देंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें अब 1 या 2 ग्रीन चिली ऐड करेंगे और 6 से 7 करी लिप्स। सारी चीज़ें अच्छे से टेम्पर हो गई तब हम यहाँ पर अब 1 फाइन चॉप ओनियन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 प्याज को फाइन चॉप करके रखा था, उसे ऐड करेंगे। प्याज डालने के बाद उसे अच्छे से हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज को फ्राई होते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे, तो 1 छोटा चम्मच फाइन चॉप अदरक है, इसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर देंगे। प्याज हमारे थोड़े से फ्राई हो गए हैं, अब हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मूंगफली ऐड करेंगे, पीनट्स ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो पीनट को पहले भी फ्राई करके रेडी कर सकते हैं, बट ये प्याज के साथ भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसलिए मैंने इस स्टेज पे ऐड किया है। पीनट फ्राई होने के बाद फाइन चॉप कैप्सिकम ऐड करेंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है, जो भी आपके घर में सब्जियां हैं, उस सब्जी के साथ आप मिक्स करके इसे एक अच्छा वेजिटेबल उपमा का रूप दे सकते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चॉप टोमेटो ऐड करेंगे, 1 टोमेटो है जिसे फाइन चॉप करके रखा था, उसे ऐड करेंगे। और अब हमें सारी वेजिटेबल को अच्छे से कुक करना है, जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसे लिड को ओपन करेंगे। अब हमारे सारे वेजिटेबल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और कुक हो गए हैं, तब यहाँ पर अब हम 1 कैरेट ऐड करेंगे। ग्रेटेड कैरेट है, मतलब मैंने गाजर को यहाँ पर घिस लिया था, उसे ऐड कर रहे हैं। गाजर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने लास्ट स्टेज में कैरेट को ऐड किया है। कैरेट ऐड करने के बाद सारी वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमारे सारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गए हैं, तब हम इसमें अब नमक ऐड करेंगे। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे वेजिटेबल अच्छे से कुक हो गए हैं, तब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, मतलब चुटकी भर हल्दी पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर मैं 1 छोटा कप पानी यूज कर रही हूँ, जिससे कि सारे वेजिटेबल्स आपस में एक दूसरे से स्टिक होकर रहें। बस हमें उतना ही पानी ऐड करना है। पानी डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसे ढक के 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। 1 मिनट होने के बाद इसके लीड को ओपन करेंगे। ओपन करने पर आप देखेंगे कि जो भी मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया था वो पानी वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं है। जो मैंने यहाँ पर पानी का यूज किया उससे वेजिटेबल सारे हमारे अच्छे से मिक्स हो गए। वेजिटेबल का ये मसाला बन के रेडी हो गया है, तब यहाँ पर हमने जो ब्रेड को फ्राई करके रेडी करा था उसे ऐड करेंगे। ब्रेड को ऐड करने के बाद उसे अच्छे से वेजिटेबल के साथ मिक्स कर देंगे, ताकि सारे ब्रेड वेजिटेबल के साथ अच्छे से कोटेड हो जाए।
ब्रेड को मिक्स करने के बाद यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। उसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो गया है और इसका एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। तब अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लेमन जूस मैं ऐड कर रही हूँ और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स है यहाँ पर, चॉप कोरिएंडर लीव्स है, उसे ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि भाप में इसका सारा फ्लेवर ब्रेड के साथ मिक्स हो जाए। जो मैंने कोरिएंडर लीव्स ऐड किया और लेमन जूस ऐड किया, सारी चीज़ें ब्रेड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारा ब्रेड का उपमा बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, मतलब बिल्कुल ही अलग अलग है और लग भी नहीं रहा है कि ये ब्रेड का उपमा बन के रेडी हुआ है, और हेल्दी भी बहुत है। तो ब्रेड की इस रेसिपी का एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। आई होप आपको इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसे किसी भी प्लेट में निकाल के सर्व कर लेंगे। ब्रेड की इस इजी एंड क्विक रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी आप इसे बना सकते हैं। ये रेसिपी विद इन 15 to 20 मिनट्स रेडी हो जाएगी। तो जब भी आपका मन करे कुछ चटपटा सा, कुछ अलग सा खाने का, तो आप इस रेसिपी को बना के ट्राई कीजिए। और अब इसे सर्व करते समय इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा किसी भी तरह का आपके पास कोई भी मिक्सचर हो या सेव हो तो उसे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। तो ब्रेड का ये चटपटा इवनिंग स्नैक्स ब्रेकफास्ट रेसिपी बन के रेडी है। आप भी इस रेसिपी को बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक करिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।